बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल, जिसके लिए ली है हमने आधा किलो मूंग की दाल, आधा किलो मसूर की दाल। इनको लेके हमने 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। 8 से 10 जवे हमने लिए हैं लहसुन के, ये हम दाल में साबुत डालेंगे। एक चम्मच हल्दी हमने ली है। 12 मिर्चें लेके इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है। एक चम्मच नमक हमने लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। और ये 6 लहसुन के जवे हमने बघार के लिए लिए हैं। आए अब हम दाल को पकाना शुरू करते हैं। एक कुकर में हमने आधा पानी लेके इसको अच्छी तरीके से पकाने रख दिया था। ये पकने लगा है पानी, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल पकते हुए पानी में इसलिए डालते हैं ताकि अगर ना भी गलने वाली हो तो भी गल जाए। दाल ने हमारी पकना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच सरसों का तेल शामिल करेंगे। इससे दाल बहुत ही ज़्यादा जल्दी गल जाती है। अब हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज भी हमने दाल में शामिल कर दी है। अब हम इसके अंदर लहसुन शामिल करेंगे। दाल को हम कम से कम 3 घंटे पकाएंगे, इससे दाल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे, इससे सब चीज़ें अच्छी तरह से गल भी जाएंगी और घुटने भी लगेंगी। इस तरह से दाल ने पकना शुरू कर दिया है। इसको कम से कम 3 घंटे पकाएंगे और वक्फे वक्फे से देखेंगे। दाल को पकते हुए हमारी पूरी 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ने अच्छी तरह से पकना शुरू कर दिया है। झाग इसके नीचे बैठ गए हैं, कलर इसका कितना प्यारा आया है और बाकी सब चीज़ों ने गलना शुरू कर दिया है। लेकिन हम इनसे 3 घंटे तक पकाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। दाल को पकते हुए हमारी पूरे 1 घंटा हो चुका है। काफ़ी हद तक दाल और बाकी चीज़ें गल चुकी हैं, लेकिन अभी इसे 2 घंटे और पकाएंगे। दाल को पकते हुए पूरा 1.5 घंटा हो चुका है। काफ़ी हद तक दाल गल चुकी है, लेकिन अभी भी हम इसे और गलाएंगे और पकाएंगे। नमक अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया है। नमक हम दाल गलने के बाद डालते हैं। नमक पहले दाल डालने से दाल नहीं गलती है, देर में गलती है। दाल को हमारी पकते हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। अच्छी तरीके से दोनों दालें गल चुकी हैं, ये देखिए। लेकिन फिर भी हम इसे 1 घंटे और पकाएंगे। इस तरह से दाल बहुत ज़्यादा घुली मिली, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सौंधी हो जाती है। अब आते हैं हम अपने तड़के की तरफ, जिसके लिए हमने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच नमक हमने लिया है, थोड़े से तेज कड़ी पत्ते हमने लिए हैं और 6 लहसुन के जवे हमने काट लिए हैं और 3 चम्मच घी हमने लिया है। अब हम इसको बघार लगाएंगे। दाल हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर सबसे पहले नमक डालेंगे, उसके बाद बघार लगाएंगे। घी हो चुका है हमारा गरम। अब हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। लहसुन के हम ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। अब हम बघार के अंदर ज़ीरा डालेंगे और मिर्ची डालेंगे। छः से सात लाल साबुत मिर्चें हमने ली हैं। इन सबको बघार लगने थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम इसे दाल में डालेंगे। बघार हो चुका है हमारा तैयार। अब हम इसे दाल में डालेंगे। हो गई है हमारी मूंग मसूर की बिल्कुल सिंपल दाल। इसको हमने 3 घंटे पकाया है, लेकिन इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, हर घर में आराम से मिल जाती हैं और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
अगर आपको ये रात के खाने पे चाहिए तो आप इसे 5 बजे 4 बजे चढ़ा सकते हैं आराम से। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।